Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5D of class 11th mathematics, chapter name compound and multiple angles. Okay, first we will discuss about the formulas related to this exercise, then we will back to the exercise. Let's see the formula of this exercise. Look here, in your book on page number 32 there are some formulas. First प्रोडक्ट फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी, ये तो साइन सी प्लस सिद्धि के फॉर्मूले से बन गया है. साइन 2a कॉस 2a टैन 2a, इसी तरीके से आपको इससे फार्मूले निकाले गए अलग अलग. उसके बाद साइन 2a के लिए जैसे है वैसे साइन हाफ ए कॉस हाफ ए टैन हाफ ए का फार्मूला लग जाएगा. और ये नेक्स्ट पेज पे कुछ फार्मूले हैं, ये फार्मूले आपके बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए इनका रिवाइज करना बार बार ज़रूरी है. आप रिवाइज़ नहीं करिएगा भूल जाइएगा. इसलिए ये क्वेश्चन नंबर फार्मूला 8 और 9, इसमें जो फार्मूले आ रहे हैं इसको ज़रूर से आप हर थोड़े दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितने फार्मूले, 3 या 6 फार्मूले, तो इस 6 फार्मूले को रिवाइज करते रहिएगा. नहीं तो किसी ऐसी जगह लिख लीजिएगा जैसे आपकी बार बार उस पर नज़र पड़ती रहे, तो ये फार्मूले भूल जाएंगे. बाकी सारे फार्मूले तो आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं. तो आइए यही सब फार्मूले इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5D. ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. Prove that sin phi minus cos phi whole square is equal to 1 minus sin 2 phi. तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि a minus b whole square का रूल लगा देंगे, a square plus b square minus 2ab. तो जो a square plus b square होगा वो sin square plus cos square मिलके आपका 1 हो जाएगा, और जो minus 2 sin a cos b करके sin phi cos phi करके आएगा वो sin 2 phi बन जाएगा. क्लियर? तो ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इजी है, आप लोग अपने से ट्राई करिएगा, उसी तरीके से ये भी लगेगा. तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट. ओके, इट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट. कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स 2 ए डॉट बी. ओके, यही ना होता है, ये साइन थीटा बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी. अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे कह लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है. सो वी कैन राइट हियर एज ए 1. और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, बट यहाँ पर एंगल थीटा बाई 2 है तो इसका हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ थीटा. ठीक है, थीटा बाई 2 को डबल करेंगे तो सिर्फ थीटा मिलेगा ना. सो इट इज़ योर राइट हैंड साइड. ये बहुत इसी क्वेश्चन था. इसी तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लगाइएगा तो वहाँ पे थीटा बाई 2 नहीं आ रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा मिलकर साइन 2 थीटा बन जाएगा. बस इतना ही चेंज है, बाकी प्लस के लिए प्लस आएगा माइनस के लिए माइनस आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपने से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, जैसे अभी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखी गई वैसे ही. तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड टैन को आप ब्रेक करिएगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 में, तो ऑलरेडी साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रिजल्ट मिल जाएगा. तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, वो अपना करिएगा तो समझ में आएगा. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3. 1 अपॉन sec 2 थीटा इज इक्वल टू cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. फ्रॉम राइट साइड वी कैन प्रूव. ओके, इट इज योर राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई हियर फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए माइनस बी होता है एक बार ए प्लस बी होता है. तो यहाँ पर हमने साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 को चेंज कर लिया होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. अब ये पूरा टर्म आपका एज ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार एक ब्रैकेट में आप प्लस करके इनको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस करके, सॉरी कॉस पहले था तो हमको कॉस पहले लिखना चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं है, प्लस वाले में तो चल जाएगा बट माइनस वाले में ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अब ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1.
वी कैन राइट हियर वन एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का. ओके तो बस ये तो शो करना था, प्रूव दैट कॉस इज इक्वल टू वन अपॉन सेक टू थीटा. अब देखिए इसीलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, सॉरी राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते तो ये आता ये आता ये आता, लेकिन इस वन की जगह पे ये बनाना थोड़ा सा आपको फिर रटना पड़ जाता. इसलिए क्या किया गया, जो ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है वहाँ से स्टार्ट किया, इससे इसको सॉल्व कर दिया, इससे ये कन्वर्ट हो सकता है, ये सीधा सीधा वन हो जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस को सेक में कैसे कन्वर्ट करें. कॉस इज इक्वल टू वन अपॉन सेक होता है तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक टू थीटा हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, 2 अपॉन कॉट अल्फा टेन टू अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा लाना है आपको. तो सबसे पहला काम, बेहतर तो ये होगा कि कॉट अल्फा और टेन टू अल्फा को हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लें, तो उससे हमारा एक रिलेशन बन जाएगा, समझ में आएगा कुछ चीज़ें कैंसिल होनी है कि नहीं. जैसे इस कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन अल्फा, और टेन टू अल्फा को होता है साइन टू अल्फा अपॉन कॉस टू अल्फा. तो जो साइन टू अल्फा आ रहा है उसको फिर से चेंज आप करिएगा टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के फॉर्म में, तो कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, कुछ बचेगा, जो बचेगा उसको आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आता है कि नहीं आता है, अगर आ जाता है तो बेस्ट है, वरना फिर देखा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, साइन टू ए अपॉन वन माइनस कॉस टू ए. अब देखिए यहाँ पर हमको ज़रा सा साइन टू ए का फॉर्मूला रखना है टू साइन ए कॉस ए, क्लियर. एंड कॉस टू ए का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला रखिए कि ये वन आपका कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पर भी वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस टू ए है और इस क्वेश्चन में वन प्लस कॉस टू ए, तो दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसा है बट आंसर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है माइनस की वजह से. तो कॉस टू ए का तीन फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा होता है, कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एक होता है, सेकेंड आपका होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, एंड थर्ड हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. तो ये तीन फार्मूले होते हैं, तीनों में से आपको समझना है कि हम कौन सा फार्मूला यहाँ रखें कि ये वन कैंसिल हो जाए, वन कैंसिल करने ही वाला फार्मूला रखने पर आपको आंसर मिल जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ओके अब ये हो गया आपका साइन टू ए अपॉन वन माइनस कॉस टू ए, लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे. तो साइन टू ए का तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं टू साइन ए कॉस ए, ये तो एक ही होता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, आपको कुछ सोचने ही नहीं है. बट कॉस टू ए का फॉर्मूला तीन तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है आइए पहले उसको समझ लेते हैं. कॉस टू ए इज इक्वल टू आपको मिलता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला, रेड से तो समझ लीजिएगा ये सोल्यूशन नहीं, खाली फॉर्मूला शो हो रहा है. कॉस टू ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये होता है, ठीक है. एक कॉस टू ए का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, जाहिर सी बात अगर हम साइन को कॉस के फॉर्म में लिख दें तो ये बन जाएगा. और इसी तरीके से एक फार्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए. तो अब इस तीनों फार्मूले में से आपको ये समझना है कि हम कॉस टू ए की कौन सी वैल्यू रखें कि ये हमारा वन कैंसिल हो जाए. या देखिए अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो 1 माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना, इस फॉर्मूले से आपको 1 माइनस कॉस टू ए की वैल्यू मिल जाएगी. या तो कॉस टू ए की वैल्यू अगर ये रख दी जाए तो ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से जैसा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए उसी तरीके से. बट अगर ये वाला हम रख देंगे तो ये भी 1 है और इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा, 1 खत्म नहीं होगा, और ये वाला रखने पर तो हरगिज 1 नहीं खत्म होगा. तो बेहतर है कि इस तीनों में से वो फॉर्म रखा जाए जिसकी वजह से ये आपका 1 खत्म हो जाए. अब देखिए अगर हम ये रख दें 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है और बाहर माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर है. अब ये प्लस 1 और माइनस 1 आपका दोनों कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, बाकी जो बचेगा वो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, साइन ए कॉस ए अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए. सब नहीं कट कर रहा हूँ एक साथ, ये हो गए. अब हम साइन ए और साइन ए को अगर कट कर दें, जैसे यहाँ पे साइन ए और ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे ही होगा ना, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक.
अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू आप सिक्स क्वेश्चन में रख दीजिएगा, सिक्स क्वेश्चन में कॉस 2a की जगह पे ये रख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब जरा से एक बात और समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने कहा ना, यहाँ पे साइन और एक पावर साइन की कैंसिल हो जाएगी, तो कभी भी आप अपने कैलकुलेशन में भी, अपने एग्ज़ाम की कॉपी में, अपनी क्लास वर्क की कॉपी में, रफ कॉपी में, कहीं पर भी समझने के लिए बस आपका ये सेंस होना चाहिए कि हम साइन ए और एक साइन कैंसिल हो रहा है। बट हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि ये साइन ए और टू कट कर देते हैं, तो वो तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जाहिर सी बात, साइन के साथ टू कैसे कैंसिल होगा? या तो आप इसको एक बार और लिखिए, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, और साइन ए कैंसिल कर दीजिए, तो वो जायज़ है। बट ऐसा नहीं कि साइन ए के साथ टू कट कर दिया तो वो गलत है। ये ठीक है कि आप किस सेंस से कर रहे हैं, बट जो शो हो रहा है वो रॉन्ग है। आपका कॉन्सेप्ट सही है कि एक इसमें साइन ए डॉट साइन ए है, इसलिए एक साइन ए कट जाएगा, एक बचेगा, वो सही है। बट हम जो शो कर रहे हैं उसमें तो ये शो कर रहे हैं ना कि साइन ए कट बाई टू, तो ये तो है वो नहीं रहा है। जाहिर सी बात, साइन ए को कट कर रहा है। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कट करने का, तो इस साइन स्क्वायर ए को दो बार लिख दीजिए, साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, और एक साइन ए काट लीजिए। लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है कि वो कट जाएगा, तो उसको मत शो करिए ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, वो चलेगा। क्लियर? तो ये काम कोशिश करिएगा एग्जाम में मत करिएगा, तो बेहतर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसमें से साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, ये साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा, और ये कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बाकी फॉर्मूला आपकी बुक में है, उसकी हेल्प ले लीजिएगा। उसके बाद जो टर्म आपको बचता है उसमें ध्यान दीजिएगा, एक जगह से 2 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, वो मिलके 1 हो जाएगा, बाकी ये तो आपका आ नहीं है 2। तो क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इजी क्वेश्चन है, देख के मत परेशान होइएगा, क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू प्लस साइन 2a अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल क्या, एक बार आप देख लीजिएगा, खुद ही कहिएगा बहुत आसान क्वेश्चन था, बट अभी नहीं समझ में आएगा ऐसे। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रूल लगाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, इट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अप्लाई द फॉर्मूला हियर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही होता है ना? अच्छा, आप लोगों ने लर्न कैसे किया होगा? हो सकता है आपकी बुक में ऐसे लिखा हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये याद करना इजी होता है, इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बोल दिया जाता है। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कैसे मेमोराइज होता है, वो आपका वैसे कर लीजिएगा। नो अप्लाई हियर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसा होगा एक ब्रैकेट में ना, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस ए बी, मीन्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, सो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू सॉरी इंटू साइन ए, ये हो गए। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर सेम एज कॉस ए माइनस साइन ए। ओके, ये हो गए आपके। अब जरा से देखिएगा, अक्सर होता ऐसे है कि ये तो समझ में आ रहा है कि कॉस ए साइन ए से कैंसिल हो जाता है, लेकिन अक्सर क्या गलती होती है हम लोगों से, हम लोग कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर देते हैं और साइन ए से साइन ए को कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली आपको रिजल्ट सही मिल जाता है फिर भी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट एक साथ कैंसिल होगा इस पूरे ब्रैकेट से, ब्रैकेट के अंदर का टर्म सेम है ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से, तो कंप्लीट ब्रैकेट डिवाइडेड बाई कंप्लीट ब्रैकेट, सेपरेटली कॉस एक्स साइन एक्स साइन ए, ये नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग ऐसे अलग अलग कट करते हैं, वो भी आंसर तो सेम आएगा, जाहिर सी बात यहाँ पे 1 बच रहता है आपके हिसाब से, बट वो कॉन्सेप्ट तो गलत है। तो समझिए बात को, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये सब आप लोगों को
हायर क्लास में गलती नहीं करनी है, यहाँ पे हर चीज़ एकदम परफेक्ट होनी है। अच्छा अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिल के हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है उसमें कह रहा है कि शो दैट कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 2 ए, साइन 2 ए लाना है। तो साइन 2 ए तो तब आएगा जबकि यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए, तो हम ऐसा कर देते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, जाहिर सी बात दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये लास्ट वाला टर्म जो है आपका ये एज ए फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2 ए, मीन्स 2 प्लस साइन 2 ए अपॉन 2 एज ए आंसर, इट इज योर राइट हैंड साइड, क्लियर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th भी इजी क्वेश्चन है, बस इसका जस्ट कन्वर्स एक तरीके से कह दीजिए, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9th देखिए आपका बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया गया है, बस फर्क इतना है कि जो वहाँ पे न्यूमरेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में बदल गया, मतलब न्यूमरेटर एंड जस्ट रिसिप्रोकल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉट ए प्रूफ हुआ, यहाँ पे टेन के फॉर्म में लाना है, वो क्वेश्चन नंबर 5 में ये न्यूमरेटर था ये डिनोमिनेटर था, तो वो अपना आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भी खुद से ही लगेगा आपसे, इसको कॉस अपॉन साइन और इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो अपॉन में साइन ए कॉस ए आएगा और ऊपर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मिलकर कॉस 2 ए बन जाएगा, नीचे साइन ए कॉस ए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, नीचे साइन 2 ए हो जाएगा, ऊपर कॉस 2 ए नीचे साइन 2 ए आपको कॉस 2 अल्फा मिल जाएगा। इतना करिएगा थोड़ा थोड़ा और इसको बार बार सुनिएगा क्या मैंने कहा है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2 ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नाउ राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11th, इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11th, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए माइनस 2 कॉट 2 ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए लाना है, आइए इस पे लिख देते हैं क्या लाना है ताकि जहन में रहे हम लोगों के, 2 साइन ए लाना है, 2 साइन ए, क्लियर। अच्छा अब साइन बनेगा कैसे, तो सबसे पहली बात तो ये करना है कि इन सारे टर्म को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लें, जैसे कोसेक और कॉट है इसको हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कॉस है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये किया करिए कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पहले ये चेक किया करिए कि इसको साइन कॉस में चेंज करने पे कुछ होगा कि नहीं, अगर कोई फ़ायदा समझ में आता है तो 100% साइन और कॉस में उसको चेंज कर लीजिए जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता हो। नाउ कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया, और माइनस कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, तो कॉट 2 ए इज इक्वल टू कॉस 2 ए अपॉन साइन 2 ए, और यहाँ पे आपको कॉस ए है, क्लियर। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, साइन 2 ए है, तो साइन 2 ए को अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें साइन 2 थीटा का तो 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा, उसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा हमारा अभी ये समझ में आएगा, एक कॉस हमारा उसमें कैंसिल हो जाएगा, बस इसी लालच में समझ लीजिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, साइन 2 ए इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया, और यहाँ पर आपका है कॉस ए, तो अब देखिए कॉस ए कैंसिल विद कॉस ए एंड 2 कैंसिल बाई 2, क्लियर। नाउ रिजल्ट क्या मिला आपका, 1 अपॉन साइन ए एंड कॉस 2 ए अपॉन कॉस 2 ए अपॉन साइन ए, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, साइन ए देख के लग रहा है कि एलसीएम हो रहा है तो साइन ए को एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए एज ए एलसीएम, ओके। नाउ न्यूमरेटर क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 ए, अभी देखिए हम लोगों ने देखा था कि कॉस 2 ए का 3 फॉर्मूला होता है, अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ रखा जाए कि आपका 1 कैंसिल हो जाए, आइए पहले वो तीनों फॉर्मूले देख लेते हैं जो कॉस ए के होते हैं, यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस है, बस इतना याद रखिएगा, ये देखिए ये 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस के, तो ये और ये, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं, आपका दिया गया है 1 माइनस कॉस 2 ए,
तो अगर 1 माइनस कॉस टू ए बनाना होगा तो वो यहाँ से बनेगा, 1 माइनस कॉस टू ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। या आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉस टू ए की वैल्यू ये वाली रख देंगे तो 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस टू ए की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लास्ट वैल्यू। क्लियर, इसको रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। जाहिर सी बात यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। हमको प्रूफ क्या करना था, साइन ए प्रूफ करना था, ये हो गए। और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल गया, 2 साइन ए, इट्स योर राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन था ना, तो सीधा सीधा सॉल्व करते चले जाएंगे, रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन में मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए सबसे इजी होती है क्योंकि इस क्वेश्चन का तो आपको मालूम ही क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड जो है वही तो प्रूफ करना रहता है, वो सॉल्व करना रहता है, वही आंसर निकालना होता है। बाकी सारे क्वेश्चन में तो आपको पता नहीं होता आंसर क्या आ रहा है, पता नहीं सही आया आंसर या गलत आया, घर आके चेक करिएगा। बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के तो आंसर भी दिया होता है पेपर में, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए राइट हैंड साइड आंसर है, राइट हैंड साइड लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए और इसको खूब अच्छे से रिवाइज किए रहिए, इसमें से नंबर बहुत गेन करिएगा आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 अप्रोक्स आर सेम हियर, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस x लाना है और इसमें थोड़ा सा चेंज है, आपको टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, ओके इट इज योर क्वेश्चन नंबर 12 लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें देखिएगा 1 प्लस साइन 2x कॉस 2x अपॉन कॉस x प्लस साइन x और आपको प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू 2 कॉस x। ठीक है, अब जरा से समझिएगा इसमें क्या क्या काम हो रहा है। 1 की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बट पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में है तो हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 1 की वैल्यू हो गई। नाउ साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। क्लियर, अभी हम कॉस 2x को वैसे ही रहने देते हैं, अभी चेंज नहीं करते हैं कॉस 2x का, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी बताएंगे। कॉस 2x को असल में हम अगले स्टेप में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा लाइन हो जाएगी, वो मोबाइल से आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए या तो मिनिमाइज़ करना होगा तो फॉर्मेट छोटा हो जाएगा। ओके कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया ना, आप चाहेंगे तो एक साथ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए उसी फॉर्म का है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर ना। और कॉस 2x का फॉर्मूला अब लगा देते हैं, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कॉस 2 थीटा का होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसमें आखिर तक कोई चेंज होना भी नहीं है। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, ज़रा सा इस फंक्शन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही ना होगा। आइए वो भी लिख के देख लेते हैं क्या बनता है उसके बाद। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, वो तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, लेकिन ये कम्यूटेटिव तभी हो गया जबकि साइन बीच का प्लस हो, अगर माइनस होगा तो ये काम नहीं हो सकता। होल स्क्वायर है तो भी कर सकते हैं माइनस पे भी, बट और कोई पावर होगी तो प्लस के हिसाब से हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ आप क्या करिएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका यहाँ पर भी है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका कैंसिल हो जाए, वो सॉरी कॉमन हो जाएगा। सो टेक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज ए कॉमन। जब आपने इसको कॉमन ले लिया तो देखिए क्या क्या बचा आपका, एक पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की बचेगी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आपका यहाँ पे बच गया,
और ये वाला टर्म आपका बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर। डिनोमिनेटर क्या है आपको, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कहा था ना डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता आखिर तक, कुछ नहीं होना है। तो ये पूरा टर्म आपका इस पूरे से कैंसिल हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन एक्स कैंसिल विद साइन एक्स, तो रिजल्ट क्या मिल गया, टू कॉस एक्स, टू कॉस एक्स एज ए रिजल्ट, इट इज योर राइट हैंड साइड, यही शो करना था, क्लियर। इसी तरीके से आप 13 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसमें आपको कॉस 2x की वो वैल्यू पुट कर दें जिसकी वजह से 1 कैंसिल हो जाए। कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाली, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाली। उसके बाद जब 1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे से कॉस एक्स कॉमन ले लीजिएगा, बस जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है वो सब कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ रहा है आपका टेन एक्स एज ए आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसको 13 को प्रूफ करिएगा खुद से, हो जाएगा, क्वेश्चन आसान है। सिर्फ कॉस एक्स की वैल्यू वो रख दीजिएगा जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट इजी से मिल जाएगा दूसरी तीसरी लाइन में। जिस तरीके से 13 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उसी तरीके से 14 को भी करना है, इसको चेंज कर दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, मतलब कॉस 2 थीटा की वैल्यू पुट करिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। इतना काम खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करिए, इसको कॉस अपॉन साइन, इसको साइन अपॉन कॉस में ले लीजिए, उसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा, और नीचे कॉस ए बाई 2 साइन ए बाई 2 हो जाएगा, जो ऊपर वाला टर्म है वो कॉस ए के इक्वल हो जाएगा, जो नीचे का डिनोमिनेटर टर्म है वो आपका साइन ए हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन मिलकर कॉट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देख के तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है आसान। क्या करिएगा, सबसे पहला काम कि इस दोनों को एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, वो कॉस टू ए में कन्वर्ट हो गया, कॉस टू ए यहाँ पे लाना भी है डिनोमिनेटर में, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा एलसीएम देने के बाद तो आपको ऊपर मिल जाएगा 4 साइन ए कॉस ए, तो 4 साइन ए कॉस ए ऊपर आ जाएगा, तो वो 2 साइन 2 ए बन गया, और नीचे कॉस 2 ए अभी तो आपने बनाई ही है, तो 2 साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए, तो साइन अपॉन कॉस आपका टेन 2 ए बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन अगर आप चाहिए तो राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना बेहतर रहेगा। इसको पहले रेशनलाइज करना होगा, मीन्स कॉस ए माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो जो ऊपर वाला टर्म है उसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, तो वो आपका सीधा सीधा 1 माइनस साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए आ जाएगा। फिर दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए, बाकी आप लोग 13, 14, 15 एंड 16 को अपने से लगाने की कोशिश करिए, और अगर से नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, जितना पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 17 क्वेश्चन। ओके, मैंने ये कहा कि इसको हमको रेशनलाइज करना होगा ना, अगर रेशनलाइज करना होगा तो जो भी टर्म नीचे है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बट बीच का साइन चेंज कर देना होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, कॉस ए माइनस साइन ए से यहाँ पर, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए से। अब देखिए क्या होगा, ऊपर होल स्क्वायर हो गया कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, तो ये आपको जब होल स्क्वायर का रूल लगाइएगा तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर। ये आपका हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा बन जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा, तो ए है तो साइन 2 ए अपॉन कॉस 2 ए, ये हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 5B में भी आया है, तो अगर हम 1 अपॉन कॉस 2 ए और साइन अपॉन कॉस 2 ए अलग अलग कर दें तो आपको देखिए रिजल्ट मिल जाएगा, 1 अपॉन कॉस 2 ए एंड साइन अपॉन कॉस 2 ए, क्लियर। 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू सेक 2 ए
एंड साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन टू ए, बस हो गए, इट्स योर आंसर। ये कह दीजिए राइट हैंड साइड है, ओके। तो क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा इसको ट्राई करना पड़ेगा तभी लगेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में कॉस 2a की वो वैल्यू पुट करिए कि ये 1 कैंसिल हो जाए, और साइन 2a की जगह पे 2 साइन ए कॉस ए लिख दीजिएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस ए की वो वैल्यू पुट करिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, इसकी जगह पे रख दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि यहाँ पर ए है तो ए बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करने पर आंसर मिल जाएगा, क्लियर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। सो सॉल्व ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू 18। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।